not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. हाय दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नई वीडियो। आज हम आए हैं भाई ईस्टर्न पेरिफेरल से होते हुए जा रहे हैं हम मूर्थल की तरफ। ईस्टर्न पेरिफेरल की फर्स्ट एंट्री जो कि है दुहाई गाज़ियाबाद में, यहां से एंटर करते हुए टोल प्लाज़ा पर और फटाफट से इस मज़ेदार 16 लेन हाईवे का मज़ा लेते हुए हम जा रहे हैं स्ट्रेट टूवर्ड्स मूर्थल। जी बिल्कुल, और अमरीक सुखदेव नहीं जा रहे, ये बहुत ही कॉमन नाम है जो सबने सुना होगा। हम जा रहे हैं रेशम ढाबा। हाँ जी, इसकी यूएसपी है कि यहाँ पर छोटी सी टॉय ट्रेन से खाना सर्व किया जाता है, जो कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो फटाफट से आइए, पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और अंदर जाके इंजॉय करते हैं। सो कम विद मी। जी मालको, तो आपका स्वागत है। ये है जी रेशम दा ढाबा, और बहुत ही बढ़िया बना हुआ अंदर से। नाम ढाबा है लेकिन किसी रेस्टोरेंट या बड़े फूड आउटलेट को टक्कर देने वाली चीज़ है। तो देख लीजिए आप, सेटिंग प्लान कितना ज़बरदस्त है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 19 जो हमारी टेबल है, क्योंकि पूरी टेबल्स को एक ट्रैक में डिवाइड किया। ये है वो टॉय ट्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ही एक्साइटेड हैं जो कि फर्स्ट टाइम आए हैं और ये देख रहे हैं टेबल पर ये ट्रैक बिछा हुआ जहाँ से ट्रेन आपका खाना लेकर आती है। और ये एक और चीज़ है, जब भी किसी की डीलक्स थाली ऑर्डर होती है ना, ये ऐसे बजाते हुए जाते हैं, घंटी बजाते हुए जाते हैं, जो कि देखने में बहुत सही लगता है और बहुत ही अच्छा जेस्चर है। इंजॉय करते हैं बच्चों के लिए। कार्टून्स चल रहे हैं प्रॉपर, तो बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है। बड़ी स्क्रीन पे कार्टून्स चलते हैं। ये इनका मेन्यू जो कि थोड़ा सा मुझे हाइप लगा इनके रेट, बट ठीक है, फिर भी जो क्वालिटी ऑफ फूड है और जिस तरह से सर्व होता है। ये देखिए हमारी टॉय ट्रेन हमारा खाना लेकर आ गई है, जो कि है फर्स्ट आइटम पनीर टिक्का। और ये देख लीजिए, हमने कर लिया इसका अनलोड और ये हमारी जो है टॉय ट्रेन वापस जा रही है अपने बाकी आइटम्स लेने के लिए। तो ये है पनीर टिक्का, बहुत ही सॉफ्ट पनीर था, टेस्ट बहुत यम था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। ये है कोल्ड कॉफ़ी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, 10 out of 10। तो अब है बारी आपके, मेरे और सबके फेवरेट, हमारी बचपन की मेमोरीज, समोसे की, वो भी विद छोले। और हमने मंगाया पराठा विद मक्खन, देसी मक्खन जो अमरीक सुखदेव पर भी मिलता है। बहुत ही मज़ा आया, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगा। बहुत ही यम था। लास्ट में सब कुछ डाइजेस्ट करने के लिए हमने मंगाई रबड़ी कुल्फी, और यकीन मानिए सबसे बेस्ट चीज़ थी जो मैंने खाई है, और इससे डाइजेस्ट भी हो गया, बहुत ही टेस्टी था। तो हमारा फूड हुआ कंप्लीट, हम चले घर की तरफ। ये यहाँ पे डांस शोज भी होते हैं रात को, तो जब भी आएंगे इंजॉय करेंगे। शाम के टाइम कोशिश कीजिएगा 6 बजे के बाद आएँ, बहुत हैपनिंग माहौल होता है। बाहर पैटियो बना हुआ है, आराम से बैठ के यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं विद फैमिली। और जिन्होंने हमको सर्व किया उनके साथ लिए हमने एक मज़ेदार सी पिक, तो ये बहुत ही अच्छा जेस्चर था, वो भी खुश हुए, हम भी। हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस, आए यहाँ पर, और हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में बताएं कि सही था या गलत हमारा रिव्यू, और आपके फीडबैक हमारे लिए हमेशा वैल्यूबल होते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।